22 जनवरी को राम लल्ला के आने से पहले पूरे देश में धूम है। वहीं राम के ससुराल में भी एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। नेपाल के जनकपुर धाम से चलकर अयोध्या जाने वाली भार यात्रा भारतीय सीमा में प्रवेश कर गई। ये यात्रा नेपाल के बीरगंज से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी है। इस दौरान दोनों देशों के हजारों राम भक्त सीमा पर मौजूद झूमते नाचते और गाते नजर आए। हजारों लोगों ने हाथों में भगवा झंडा लेकर श्री राम का नारा लगाया। इसके बाद यात्रा अयोध्या के लिए रवाना हो गई। धाम से चलकर अयोध्या तक जाने वाली भार यात्रा अब भारत नेपाल सीमा के जरिए अब भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त रक्सौल बॉर्डर की। और ये यात्रा जिसमें हजारों की संख्या में जो राम भक्त मौजूद हैं वो इस यात्रा में शरीक हैं। और कल ये यात्रा जनकपुर धाम से चली थी और अब ये यात्रा नेपाल सीमा से पार करते हुए अब भारत की सीमा में प्रवेश चुकी है। और देख सकते हैं कितनी ज्यादा संख्या में भार यात्रा में लोग शामिल यहां हो रहे हैं। दोनों देशों के लोग जो है वो इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। चारों आप देखिए भगवा लहरा रहा है, श्री राम के नारे लग रहे हैं और लोग के अंदर जिस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है वो देखने लायक है। हर तरफ देख सकते हैं जय श्री राम के नारे। और भार यात्रा देखिए ये तमाम जो ट्रक है इसमें सौगात है, माँ जानकी के मायके से सौगातों से भरी ये दो ट्रक जो है वो अयोध्या जा रही है। और मिथिला में जो एक परंपरा है कि ब्याहता बेटी का जब गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से सौगात और तोहफे भेजे जाते हैं, उपहार भेजे जाते हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ पर दो ट्रक जो भार है जो सौगात है वो यहाँ भेजी जा रही है। प्रश्न कहूंगा दिखाएंगे ये जो आप टोकरियां देख रहे हैं इसमें राजीव ये सभी टोकरियों में श्रृंगार का सामान, साड़ियां, मिठाइयां, फल हर एक टोकरी में है। और ऐसा नहीं है किसी ने ये एक कोई प्रायोजित कार्यक्रम है क्योंकि जनकपुर धाम के तमाम घरों से लोगों ने ये सौगात तैयार की है अपने अपने घरों से और ट्रक में इसे इस तरीके से लोड किया गया है और फिर अयोध्या की तरफ जो है वो ये यात्रा इस वक्त जा रही है। और भारत नेपाल की सीमा में ये देखिए प्रवेश करता हुआ ये यात्रा जो है भारत नेपाल सीमा से अब भारत में प्रवेश कर रही है। पुरधाम उन्हें 4 तारीख से 6 तारीख हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और 6 तारीख को हस्तांतरण करेंगे। ये भार जो माता सीता के ससुराल में नैहर से जो उनका घर बना है घरवास के उपरांत घरवास के हिसाब से हम लोग ये भार लेकर जा रहे हैं। दरअसल मिथिला संस्कृति के हिसाब से जब शादीशुदा बेटी का गृह प्रवेश यानी कि ससुराल के नए घर में जब उसकी एंट्री होती है तो उसे सौगात यानी कि भार भेजी जाती है। इस परंपरा को निभाते हुए जनकपुर धाम से अयोध्या को 2 ट्रक सौगात उपहार भेजे जा रहे हैं। यहीं अयोध्या जाने वाली भार यात्रा नेपाल के बीरगंज से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी है। भारत नेपाल सहयोग मंच के अध्यक्ष अशोक जैन जी हमारे साथ। अशोक जी ये यात्रा जो जनकपुर से चली थी अब अयोध्या जा रही है, किस तरीके का माहौल है बीरगंज में इस वक्त? बहुत धार्मिक माहौल है, लोगों में बहुत उत्साह है। जो यात्रा बीरगंज में शाम को 8 बजे पहुंच रही थी सुबह 4 बजे पहुंची है। जगह जगह भव्य इसका स्वागत हुआ है और एक ये ऐतिहासिक यात्रा है और हम बीरगंज वासी का नहीं खाली पूरे नेपाल वासी का मधेश वासी का एक सौभाग्य है कि उनको ये यात्रा देखने का मौका मिला और ये यात्रा बीरगंज से प्रस्थान कर रही है। कुछ नेपाल के लोगों को भी इनविटेशन मिला है अयोध्या में आने के लिए 22 जनवरी को? कुछ लोगों को मिला है, संत महात्मा को मिला है और कुछ लोगों को मिला है, इनविटेशन आया है। बता दी कि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या के चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखी हैं। इसके लिए एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली गई है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं राम के ससुराल में भी एक अलग धूम देखने को मिल रही है। जनकपुर से रोहित सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।